Good morning, everyone. My name is Kush Pandey. I'm really sorry for the 5 minutes delay. Due to some traffic, I was unable to reach the studios on time. But now we are at 8:05 a.m. And from tomorrow, I will ensure that the timing of the show starts at 8 a.m. sharp. So a very warm good morning, everyone. Aap sabka tahe dil se swagat hai hamare aaj ke discussion mein. Chaliye shuru karte hain. और ले चलते हैं आपको हमारे सबसे पहले आज की मोटिवेशनल कोट पर. वर्किंग हार्ड फॉर समथिंग वी डोंट केयर अबाउट इज कॉल्ड स्ट्रेस. वर्किंग हार्ड फॉर समथिंग वी लव इज कॉल्ड पैशन. तो गाइस, लाइफ में जो आप करना चाहते हैं पहले तो उसको खोजिए. इफ़ यू वांट टू बी अ बैंकर एंड यू आर फीलिंग स्ट्रेसफुल, यू आर फीलिंग सैड, दैट इज़ नॉट ऑल राइट. अगर आपको सही में वो एग्ज़ाम निकालना है, सही में बैंकर बनना है, तो उसको प्यार कीजिए, उसको पैशन की तरह लीजिए. एंड इफ़ यू विल ट्रीट दैट थिंग एज अ पैशन, देन परहैप्स यू विल इंक्रीज और यू विल इम्प्रूव इन दैट पर्टिकुलर पार्ट. जो लोग तैयारी SSC कर रहे हैं या CDS की कर रहे हैं या UPSC कर रहे हैं, उनसे भी मैं कहूँगा कि इफ़ दैट इज़ योर पैशन गाइज, देन परहैप्स यू विल अचीव एंड यू never ever feel stress. You'll always feel the challenge to achieve something, but you'll never ever feel stress. चलिए तो शुरू करें और ले चलें आपको हमारे नेक्स्ट स्लाइड पर. दोस्तों, इन दिस पर्टिकुलर सेशन, पर उससे पहले लीव 30 ऑलरेडी चल रहा है. लीव 30 इज़ अ 30% डिस्काउंट अक्रॉस ऑल प्रोडक्ट्स, चाहे वो आपका लाइव क्लासेस हों, चाहे वो टेस्ट सीरीज हों, सब पे आपका ये अवेलेबल चल रहा है. सो यू कैन यूज़ द कोड LEAP30 फॉर गेटिंग द बेस्ट बेनिफिट ऑफ 30% डिस्काउंट ऑन ऑल प्रोडक्ट्स. आते हैं हमारे आज के डिस्कशन पर. वील स्टार्ट विद द वार्म अप क्विज गाइस, देन वील हैव द हिंदू एनालिसिस. उसके बाद हम बात करेंगे आज स्टैटिक GK में अबाउट द 8 वंडर्स ऑफ द SEO. देन वील फोकस ऑन अवार्ड्स विच आर रिलेटेड टू डिफरेंट फील्ड्स, और फिर हम सेशन को आपका जो है एंड कर देंगे. टुडे गाइस, द नंबर ऑफ करंट अफेयर्स फ्रॉम द हिंदू आर वेरी लेस. सिर्फ 3 से 4 ही खबरें थी द हिंदू से, इसलिए हमने जो MCQ सेशन है उसको बढ़ा दिया है, सो दैट आई कैन कंपनसेट फॉर द लैक ऑफ हेडलाइंस फ्रॉम द हिंदू. राइट, सो एक बार जरा कमेंट सेक्शन में आप लोग आ जाइए, जरा कमेंट कर दीजिए यस सर, 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 ताकि मैं समझ पाऊँ आप लोग रेडी हैं और आप लोग तैयार हैं. आते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन पर, जो कि ये रहा आपके सामने. Which country has officially withdrawn itself from the UNHRC resolution? किस देश ने आधिकारिक तौर पर UNHRC के प्रस्ताव से अपने आप को हटा लिया है? श्रीलंका, USA, UK or France? And the answer is, it is Sri Lanka. Sri Lanka has categorically said that it is not a part of the United Nations Human Rights Council resolution. वो उसका हिस्सा नहीं है. अगर हम UNHRC की बात करें, it was formed in 2006. The headquarters of the UNHRC are in Geneva, Switzerland. The president of this particular council is Koli Sek. The parent body of this organization is the UN General Assembly, and every 3 years there are 47 members, 47 countries which are members of the UNHRC. तो ये भी आप यहाँ पर याद रख सकते हैं. आते हैं अगले क्वेश्चन पर. The Indian Coast Guard recently launched an offshore patrol vessel 6 in Chennai. What is its name? इंडियन कोस्ट गार्ड ने हाल ही में चेन्नई में एक अपतटीय गश्ती पोत 6 लॉन्च किया है. सवाल मेरा आपसे है, इसका नाम इनमें से क्या है? आंसर है आपका ऑप्शन सी, जो कि दिया हुआ है ऑलरेडी, दैट इज़ वज्र. वज्र को दोस्तों इन्होंने हाल ही में लॉन्च किया है. अगर हम इंडियन कोस्ट गार्ड की बात करें, इंडियन कोस्ट गार्ड वॉज फॉर्म्ड इन 1978. द मेन एजेंडा, द मेन पर्पज ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन इज़ टू गार्ड द कोस्ट ऑफ द कंट्री. जो भारत का बे ऑफ बंगाल या अरेबियन सी का कोस्टल एरिया है, उसको गार्ड करने का मेन कंसेप्ट है. हेडक्वार्टर्स ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड आर इन न्यू दिल्ली. इट वॉज फॉर्म्ड ऑन 1st of Feb, और हर साल 1st Feb को हम इंडियन कोस्ट गार्ड डे भी मनाते हैं. द करंट डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंडियन कोस्ट गार्ड इज कृष्णा स्वामी नटराजन. इनका नाम भी आप यहाँ पर याद कर सकते हैं. समझ में आ गया सबको? क्लियर हो गया? सो दो सवाल हो गए हैं. जो लोग लेट आए हैं, वी हैव कवर्ड 2 questions. 1, वी आर फोकस्ड ऑन द UNHRC. 2, फोकस्ड ऑन द इंडियन कोस्ट गार्ड शिप वेसल, दैट इज द वज्र. International Conference on Standardization of Diagnosis and Terminologies of AYUSH or ICOS-DIDOS 2020 was held in which city? AYUSH का ये जो conference है, निदान और शब्दावली के मानकीकरण पर जो था सम्मेलन है, ये इनमें से किस शहर में हाल ही में हुआ था? And the answer is, it happened in the city of New Delhi. So ICOS-DIDOS 2020 was held in the city of New Delhi. नई दिल्ली में इसको हाल ही में कराया गया. आइए जरा इस conference के बारे में बात कर
कर लेते हैं दोस्तों. ये कॉन्फ्रेंस फोकस करता है कैसे हम डिफरेंट डिफरेंट जो आयुष के टर्म्स हैं उनको हम स्टैंडर्डाइज करें और कैसे हम जो आयुष का अवेयरनेस है उसको फैलाएं. उसके लिए ये कॉन्फ्रेंस आपका न्यू दिल्ली में हुआ. द मिनिस्टर ऑफ आयुष गाइस इज श्री श्रीपद यसो नायक. ही इज द मिनिस्टर कंसर्न्ड. द इंटरनेशनल योगा डे हैपन्स ऑन 21st of March इफ आई एम करेक्ट. 21st of March, 21st of June इफ आई एम करेक्ट. एंड इस साल जो वेन्यू होगा आपका आपके नेशनल योगा डे का दैट विल बी मैसूर. उसका नाम भी आप यहाँ पर याद रख सकते हैं. ठीक है हाँ 21st June इज द करेक्ट आंसर. चलिए फटाफट चलें अगले क्वेश्चन पर. द मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग रिसेंटली लॉन्च्ड MIEWS. व्हाट डज एम स्टैंड फॉर इन MIEWS? खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय ने हाल ही में MIEWS को शुभारंभ किया है. सवाल है उत्तर आपसे प्रश्न है MIEWS में M का क्या अर्थ है. What do we mean by M in MIEWS? And the answer guys here is it is option B that is market. इसका full form है market intelligence and early warning system. इस system को हरसिमरत कौर बादल जो भटिंडा से सांसद हैं उनकी जो ministry है उसने हाल ही में launch किया है. So again I'll again repeat the full form is market intelligence and early warning system. That is absolutely the correct answer. Thank you so much Alok Jajaria for the compliment. I try my best to make you understand all the current affairs. Thank you so much for the कॉम्प्लीमेंट. चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर. द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस रिसेंटली लॉन्च्ड ईज 3.0. व्हाट डज ई स्टैंड फॉर इन ईज? वित्त मंत्रालय ने हाल ही में ईज 3.0 को लॉन्च किया है. सवाल मेरा आपसे है ईज में ई का मतलब क्या होता है. ई का मतलब होता है दोस्तों एनहांस्ड. ईज का फुल फॉर्म होता है एनहांस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस. दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ ईज. द बेसिक पर्पस ऑफ ईज फॉर्मैट इज टू give standards of working, to give standards of operations to the bank. Bank in reforms के जरिए अपनी banking को technology के तौर पर और operational के और operations के तौर पर better कर सकता है. So because of this, the third version of the enhanced access and service excellence or EASE 3.0 was launched by the Ministry of Finance. यहाँ तक सारा कुछ समझ में आया? Has everyone understood each and every syllable that I have discussed? Please answer yes sir, yes sir, yes sir, yes sir, yes sir. Yes, thank you so much Radhika. India's rank in the ease of doing business is 63, which is a better rank. And the number one country in that particular index is New Zealand. Ye bhi aap yaad kar sakte hain. Similarly, agar hum baat karenge ease of doing business ki, then recently the International Trade Fair, it happened in New Delhi. Uska jo theme tha, wo bhi aapka tha, ease of doing business. Brilliant. Absolutely correct. Let's come to the next question. The Central Pollution Control Board has tied up with which of the following organizations for setting up air quality monitoring stations in 6 states and 3 union territories. CPCB ne 6 rajyon aur 3 kendra shasit pradeshon mein vayu gunavatta nigrani stationon ki sthapna ke liye nimnlikhit mein se kiske sath samjhota kiya hai? Indian Oil Corporation, National Thermal Power Corporation, NEEC या फिर आपका CIIL. पापुनी पाइकरा आपका क्वेश्चन जो है उसका आंसर बाकी लोग दे देंगे. आई ऑलवेज ऑन अ डेली बेसिस आई एनालाइज द हिंदू पेपर. जो जो खबरें इंपॉर्टेंट हैं उनको हम डिस्कस करते हैं. करते हैं नहीं करते हैं प्लीज़ आंसर कर दीजिए उनको येस या नो में बाकी लोग. तो इसका आंसर दोस्तों जो है दैट इज़ ऑप्शन बी दैट इज़ द नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन. ये इसका यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है. अगर हम इस हेडलाइन को रिसर्च करें इस हेडलाइन के बारे में और डिटेल में जाएं तो ज़रा ये स्क्रीन पे आप देख सकते हैं. द नंबर ऑफ स्टेट्स आर 6. सो वी हैव ग्वालियर इन MP, रांची इन झारखंड, पटना इन बिहार, वाराणसी, लखनऊ, कानपुर, अलाहाबाद, दीज आर इन UP, पिंपड़ी एंड छिंचवाड़ इन महाराष्ट्र एंड मदुरई इन तमिलनाडु. सो दीज आर द 6 एरियाज वेयर दीज स्टेशंस विल बी सेट अप. देन देर आर 3 यूनियन टेरिटरीज. दीज आर पोर्ट ब्लेयर इन अंडमान निकोबार, दादरा नगर हवेली एंड दमन इन दमन एंड दीव. इन 3 जगहों पर भी आपके एयर क्वालिटी सेंटर्स को लगाया जाएगा. नाउ गाइस द नेम ऑफ दीज स्टेशंस इज कंटिन्यूअस एम्बियंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टैंडर्ड्स और CAQMS.
Alright, so these centers are called as CAQMS, its full form is Continuous Ambient Air Quality Monitoring Stations. If we talk about NTPC, NTPC's head is Mr. Gurdeep Singh and the headquarters of NTPC are in New Delhi. And if we talk about CPCB, the headquarters of CPCB guys are again in New Delhi and the chairperson of CPCB is Mr. Ravi Shankar Prasad. समझ में सबको आ गया, सबको क्लियर हो गया, कतरा कतरा समझ में आ गया, प्लीज आंसर यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, वी अंडरस्टूड. चलिए फटाफट चलते हैं अगले हेडलाइन पर, जो कि क्वेश्चन पर, जो कि ये रहा. विन मिंथ इज इन इंडिया फॉर अ स्टेट विजिट, ही इज द हेड ऑफ म्यांमार. हाउ मेनी अग्रीमेंट्स हैज इंडिया साइंड विथ म्यांमार. विन मिंथ जो कि हेड है, जो कि अधियों की हेड ऑफ स्टेट है म्यांमार के, वो इंडिया आए हुए हैं. सवाल मेरा आपसे है, कितने अग्रीमेंट्स इंडिया और म्यांमार ने किए हैं? एंड द आंसर इज, इट इज थ्री. थ्री अग्रीमेंट्स हैव बीन डन बाई इंडिया. द अग्रीमेंट्स आर इन टिम्बर ट्रैफिकिंग, इन कंजर्वेशन ऑफ टाइगर्स एंड इन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स. इन तीन एरियाज में भारत ने हाल ही में अग्रीमेंट्स किए हैं. मेरा सवाल आपसे दोस्तों है, लेट्स टॉक अबाउट टाइगर्स. ऑलराइट, रिसेंटली टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैव बीन कन्वर्टेड इनटू टाइगर रिजर्व्स. प्लीज टेल मी द नेम ऑफ दोज टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज. दो वन्य जीव अभयारण्य हैं जिन्हें कन्वर्ट किया जाएगा एक टाइगर रिजर्व में, उनके नाम क्या हैं? फटाफट बताइएगा. एब्सोल्युटली करेक्ट. द फर्स्ट वन इज द MM हिल्स टाइगर रिजर्व दैट इज इन कर्नाटका, एंड द अदर वन इज गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व विच इज इन छत्तीसगढ़. सो देर आर टू, MM हिल्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दैट इज इन कर्नाटका, एंड सेकेंड वन इज गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व विच इज इन छत्तीसगढ़. ब्रिलियंट गाइज, एब्सोल्युटली करेक्ट. सब लोगों ने बिल्कुल ही सही जवाब दिया है. आप सब एक दूसरे को प्लीज एवरी वन गिव योर सेल्फ अ थम्स अप. वेल्डन तेजश्री, वेल्डन सिमरजीत कौर, वेल्डन इलियास मालिक, वेल्डन स्मिता मोरप्पा, वेल्डन सुशांत विश्वकर्मा, वेल्डन अंजू कुमारी. ब्रिलियंट गाइज, जस्ट ब्रिलियंट, एब्सोल्युटली करेक्ट. यस, चलिए अब फटाफट चलें हमारे अगले क्वेश्चन पर, जो कि ये रहा. RBI has introduced how many indicators for calculating India's growth rate? अगर भारत की विकास की गणना करनी है तो कितने मापदंडों पर या कितने संकेतकों पर पर निर्भर किया जाएगा, जैसा कहा है RBI ने. How many indicators guys? And the answer is, it is 12. There are 12 indicators on which the RBI will gauge the India's economic growth. Win Mint Prajakta, he is the head of Myanmar. वो एक व्यक्ति है, he is a person, he is an individual, he is the head of Myanmar. Alright, so आइए जरा एक बार देख लेते हैं ये 12 indicators आपके जो हैं आखिर कार्य हैं क्या क्या. सबसे पहला है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन फॉर कोर सेक्टर्स. द सेकेंड वन इज इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन फॉर द कंज्यूमर गुड्स. द थर्ड वन इज द नंबर ऑफ ऑटोमोबाइल सेल्स. फोर्थ, द नंबर ऑफ नॉन ऑयल नॉन गोल्ड इंपोर्ट्स. फिफ्थ, द नंबर ऑफ एक्सपोर्ट्स. रेल फ्रेट दैट इज रेल भाड़ा, जो गुड्स जाते हैं रेल से आपके. एयर कार्गो. फॉरेन टूरिस्ट इनफ्लोस. गवर्नमेंट टैक्स रिसीट्स. नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट और नीर. सेंसेक्स एंड बैंक क्रेडिट. एज ऑफ नाउ प्लीज डू नॉट गो इन टू द डिटेल्स ऑफ इट, बट प्लीज मग दीज 12 फैक्टर्स गाइज. ये वो 12 फैक्टर्स हैं जिन पर हम गेज करेंगे, जिन पर हम एनालाइज करेंगे भारत का ग्रोथ रेट को. सो नाउ फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, इफ एनी वन आस्क यू अ क्वेश्चन दैट हाउ इज द इकॉनमी ग्रोइंग, please analyze these 12 factors, and if majority of these factors are on the positive side, then the Indian economy is growing. तो इसको जरा एक बार आप please देख लीजिएगा, ये important part है. All right. So these are 12 factors, 12 indicators in fact, which are important for the growth of the Indian economy as per the RBI. हाँ, इन 12 को याद करना ज़रूरी है, because इन पे सवाल आपके बनते हैं. ऑल राइट, क्लियर हो गया सबको? प्लीज आंसर कर दीजिएगा यस सर, 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 वी अंडरस्टूड. चलिए फटाफट चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर, जो कि अब आपके सामने स्क्रीन पर आ जाएगा. ये, विच कंपनी हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन कंपनी टू इशू डॉक्यूमेंट्स, पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स एंड रिन्यूअल्स थ्रू व्हाट्सएप. बफरिंग की बात कर रहे हैं बच्चे, क्या बफरिंग हो रही है सर? बफरिंग हो रही है क्या? अगर बफरिंग हो रही है देन प्लीज रिफ्रेश द वीडियो, देन प्लीज रिफ्रेश द वीडियो गाइस, देन प्लीज रिफ्रेश द वीडियो. ऑल राइट, ओके.
So the answer to this question, guys, is it is option C, that is Bharti AXA. Bharti AXA jo company hai, wo ab jo uske policy documents hain ya jo uske renewal documents hain, unko ab WhatsApp ke zariye bhi, dosto, wo ab provide karne wali company ban gayi. It is the first company, in fact, jo ki aisa kar rahi hai. Aage badhte hain. What is the new FDI limit for insurance intermediaries as per the Department for Promotion of Industry and Internal Trade? Udyog aur Antarik Vyapar ko badhava dene ke liye, kaun se vibhag ke liye, jo vibhag hai, uske anusar, bima madhyaston ke liye FDI ab kitna hoga? First of all, FDI stands for Foreign Direct Investment. How much investment from the foreign companies is allowed? And the answer is, it is at option D, that is 100%. It will lead to investments in insurance companies, in third party insurance companies, in insurance brokers. Un sab mein ab videshi companies 100% tak nivesh jo hai, dosto, wo kar sakti hai. So 100% is absolutely the correct answer. Let's have a review about the recent changes to the FDI limits. Aur wo ye raha aapke saamne. For example, in the agriculture and animal husbandry, the FDI limit is 100%. In air transport services, in the international market, in the non-scheduled services, it is 100%. In the air transport services regional market, it is at 49%. In the asset reconstruction company, I'll again repeat, guys. In the asset reconstruction company or in NBFCs, the FDI limit is at 100%. For auto components, it is at 100%. For automobiles, again, it is at 100%. For biotech, 74%. For news current affairs, it is 100%. For core investment companies, it is 100%. Similarly, there are other examples. For example, for atomic energy, for chit funds, for lottery companies, for these three companies, the investment is 0%. Isme investment aapka possible nahi hai. In fact, jo atomic fuel hai, usme bhi ab jo FDI hai, wo 0% rakha gaya hai. So, ये कुछ factors हैं जिनको आप यहाँ पर screen पर फिलहाल देख सकते हैं. समझ में आ गया सबको? Has everyone understood? Please answer yes sir, yes sir, yes sir. Please mug it up, guys. ये recently हुए हैं आपके सामने. These are recent changes which have happened in the FDI and this will be of importance in your examination. All right. Please फटाफट आंसर कर दीजिएगा. Yes sir, yes sir, yes sir, yes sir, yes sir, yes sir. We've understood. चलिए आगे चलते हैं next question पर. India's first protein day was observed on 27th of Feb. What was the theme of this particular day? Bharat ka jo pehla protein divas hai, usko 27 February ko manaya gaya tha. Is din ka vishay inme se kya tha? What is protein? Protein is life. Protein mein kya hai? Ya fir protein power? Kya tha aapka wo divas, wo din, jis din aapka, kaun sa wo theme tha jo aapko manaya gaya? Thank you so much, Pooja Priyadarshi. You are too good and intelligent, sir. We are also make like you. You will in the duration, bas aapko regular rehna hai. You have to be regular and you will basically be a good person, a good current affairs expert. So the answer is, it is option C, that is protein mein kya hai. Absolutely correct. Ab zara ek baar revise kar lete hain February ko. Alright, because February days are important. So February 1 is celebrated as the Indian Coast Guard Day. From February 1 to February 9, we had the Suraj Kund Crafts Mela. We also had the Kala Ghoda Festival in Mumbai. On February 2nd, we have the World Wetlands Day. The theme of this particular day was wetland and biodiversity. Wetlands Day are under the Ramsar Convention. Ramsar is a city in Iran. And since 1971, Ramsar sites have been done. India has 37 Ramsar sites, guys. And out of 37, 27 were earlier. 10 sites have been added. Absolutely correct. Brilliant. Then on February 4, we have the World Cancer Day. The World Cancer Day's theme this time around was I am and I will. Then then we have the World Pulses Day that happened on February 10. All right. Then we had the Financial Literacy Week of the RBI. Uska theme tha aapka MSME. All right. On 11th of Feb. Absolutely correct. Yes, absolutely correct. Then on 13th of Feb we have Then on 13th of Feb we have the World Radio Day. All right. And that was the important day on that particular part. Then between 10 to 14 Feb, Financial Literacy Week aapka hua. Absolutely correct. Anything else, guys? Anything else?
हाँ 13 फेब को रेडियो डे हुआ आपका, थीम था रेडियो डे का आपका रेडियो एंड बायोडाइवर्सिटी, प्लीज़ इसको लिखते जाइए जिनको नहीं पता है. देन ऑन 20th फेब वी हैव द इंटरनेशनल डे ऑफ सोशल जस्टिस, ऑन 21st फेब वी हैव द इंटरनेशनल थिंकिंग डे. ऑल राइट, एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप लोग. ऑन 21st फेब वी हैव द इंटरनेशनल डे ऑफ मदर लैंग्वेजेस, एब्सोल्युटली करेक्ट. ऑन इफ आई एम करेक्ट ऑन 14th फेब वी हैड द श्रीलंका डे, ऑन विच द लैंग्वेज ऑफ द नेशनल सॉन्ग ऑफ श्रीलंका वॉज चेंज फ्रॉम तमिल टू सिन्हलीज, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. 27th फेब इज ऑफ एब्सोल्युटली करेक्ट. देन ऑन 19th फेब वी हैड द इंडियन सॉइल कार्ड डे. All right. On 24th of Feb, we have the Indian Excise Day. Absolutely correct. Yes. Central Excise Day, आपका 24 फरवरी को हुआ. Absolutely correct. Yes. Brilliant, guys. On 28th of Feb, we have the National Science Day. That is also absolutely correct. So, I hope and wish आप सबको answers आ गए होंगे. अगर clear हो गया, please answer कर दीजिएगा. Yes, sir. 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 We've understood. एक और add कर दीजिएगा. 22nd Feb को आपका होता है the World Scout Day. उसको भी आप चाहें तो याद कर सकते हैं. चलिए फटाफट चलते हैं हमारे अब हमारे आज के एनालिसिस पर उससे पहले दोस्तों मैं रिपीट फिर से कर दूं. लीप 30 इज अ कोड, LEAP लीप 30 इज अ कोड. इट इज एप्लीकेबल ऑन माय कोर्सेज, मेरा SBI का, GA का मेंस का कोर्स और RBI असिस्टेंट का मेंस का ऑलरेडी चल रहा है, आप वहां अप्लाई कर सकते हैं. इट इज एप्लीकेबल टू एनीथिंग गाइस, सो लीप 30 को यूज करना मत भूलें. आते हैं हमारे आज के एनालिसिस पर और आज की जो तारीख है दोस्तों, दैट इज द 28th ऑफ फेब. द फर्स्ट हेडलाइन इज ऑन पेज नंबर 8 गाइज, एंड इट इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन ओबिचुरी. ओबिचुरी को हिंदी में हम कहते हैं देहांत, तो ओबिचुरी पर दोस्तों हमारी एक हेडलाइन है एंड दैट हेडलाइन इज़ रिगार्डिंग सुधाकर चतुर्वेदी साहब. सुधाकर चतुर्वेदी साहब, ही वॉज अ गांधियन स्कॉलर एंड ही वॉज अ फ्रीडम फाइटर. ही पास्ड अवे इन बेंगलुरु गाइज, एंड ही वॉज एसोसिएट ऑफ महात्मा गांधी एंड ही वॉज अ विटनेस ऑफ द हिस्टोरिकल मूवमेंट्स लाइक द जलियावाला बाग मैस्केयर जो आपका हुआ था, तो इस वजह से ये काफ़ी फेमस थे. तो यहाँ पर याद रखिएगा, सवाल बनेगा आपसे, मिस्टर और सर सुधाकर चतुर्वेदी वॉज रिलेटेड टू द फील्ड ऑफ, तो इसका आंसर जो आपके सामने दोस्तों होगा, द आंसर विल बी ही वॉज अ फ्रीडम फाइटर. वो एक फ्रीडम फाइटर थे, आज़ादी में हमारे फाइटर थे एंड उनका हाल ही में देहांत हुआ. इनका नाम है मिस्टर सुधाकर चतुर्वेदी, याद रहेगा, पक्की बात. ओके, आगे बढ़ते हैं अगली हेडलाइन पर. केरला स्टैंड टफर ऑन इट्स स्टैंड ऑन NPR. वी ऑल नो गाइज, केरला वॉज द वेरी फर्स्ट स्टेट दैट पास्ड एन एंटी CA रेजोल्यूशन. CA बेसिकली स्टैंड फॉर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, इन विच आफ्टर 2014 anyone who is an illegal migrant will not be allowed to live in the country, and before that everyone has to provide their documents. NPR basically it's a database that will provide an analysis about the people living in the country. So NPR को लेकर केरला ने टफ किया स्टांस. उसने कहा है कि it will not follow the latest pattern of the NPR but it will follow the pattern of 2010. तो इसको लेकर केरला आपका जो है वो न्यूज़ में है, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं. केरला हैज़ टफेंड इट्स स्टैंड अगेंस्ट अपडेटिंग द नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर एंड आस्क इट्स सेंसस ऑफिशियल्स नॉट टू अटेंड ट्रेनिंग सेशंस रिलेटेड टू द रजिस्टर. तो एक तरह से जो स्टेट लेवल पे पार्टीज हैं, स्टेट लेवल जो गवर्नमेंट्स हैं, दे आर अपोजिंग दी CAA और दी NPR. फॉर एग्जाम्पल, येस्टरडे मैंने डिस्कस किया था कि बिहार हैज़ बिकम द फर्स्ट NDA रूल स्टेट विच हैज़ अपोज दी NPR. सो उस वजह से भी ये जो एक बहस है, दी ऑपोजिशन टू अगेंस्ट द CAA एंड स्पेशली अगेंस्ट द NPR NRC हैज नाउ गॉन अप, एंड केरला ने साफ तौर पे कहा है कि वो अपने सेंसस ऑफिशियल्स को ट्रेनिंग के लिए नहीं भेजेगा. सो यहां पर एक सवाल बनेगा कि सर व्हाट इज NPR, ये डिस्कस मैंने पहले भी किया हुआ है. NPR स्टैंड्स फॉर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर. इट इज अ डेटाबेस ऑफ द यूजुअल रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री. Now the second question is, who are, कौन हैं ये लोग जिन्हें हम कहते हैं usual resident? Those people who are living in a particular area for the past 6 months or who will live in that particular area for the next 6 months. ऐसे लोग जो एक जगह पर पिछले 6 महीने minimum रह रहे हैं या आने वाले 6 महीने तक वो रहेंगे. This basically is called as a usual resident. So NPR will be a database of the usual residents, all right? And it is mandatory
for every usual resident to be a member of the NPR. ये ज़रूरी है और ये mandatory है as per central government कि हर उस बंदे को जो एक जगह पर या तो अभी रह रहा है 6 महीने से या फिर आने वाले 6 महीने रहेगा, उसे हम इसका member होना ज़रूरी है. समझ में आ गया सबको? NPR तो खैर मुझे पता है आपको याद हो गया होगा. सो गाइज प्लीज अंडरस्टैंड, अ यूजुअल रेजिडेंट इज अ पर्सन हु इज ईदर लिविंग इन दैट एरिया फॉर द पास्ट 6 मंथ्स और हु विल लिव इन दैट एरिया फॉर द कमिंग 6 मंथ्स. आई होप आपको ये याद हो गया होगा. ये NPR का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है. राइट नाउ NPR कंसिस्ट ऑफ 21 रूल्स. इन दैट 21 रूल्स, वन रूल कैन बी निग्लेक्टेड, दैट इज द रूल ऑफ डेट ऑफ बर्थ और एंड प्लेस ऑफ द पेरेंट्स, उसको हटा दिया जाए. तो करीब 20 ऐसे रूल्स हैं जिनको कि आपको वहां पर फिल करना है, जो कि नया फॉर्मेट है. पहले सिर्फ आपके शायद 15 थे, अब शायद उसको 20 कर दिया गया है. आई होप कतरा कतरा समझ में आपको आ गया है. एवरीवन हैज अंडरस्टूड ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ दिस हेडलाइन. आगे बढ़ते हैं अगली खबर पे. अगली खबर दोस्तों आपके सामने अब आते हैं. अच्छा तो आज दो ही खबरें थी दोस्तों, बहुत बड़ी खबरें नहीं थी आज. अब आते हैं हमारे आज के स्टैटिक जीके पे दोस्त, एंड ये रहा आपका स्टैटिक जीके. लेट्स फोकस ऑन दी 8 SCO वंडर्स गाइस, इन पे हम बात करेंगे. रिसेंटली द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ बेस्ड आउट ऑफ चाइना, विच कंसिस्ट ऑफ 8 to 9 members, बेसिकली इट हैड लॉन्च्ड अ लिस्ट ऑफ साइट्स विच आर वंडर्स इन अ पर्टिकुलर कंट्री. तो उस लिहाज से हम यहाँ पर आपके सामने बात करने आए हैं, एंड ये रहे वो 8 वंडर्स जो कि आपके सामने स्क्रीन पर हैं. सबसे पहले इंडिया की बात करेंगे. इंडिया के अंदर जो वंडर है सीओ का, दैट इज़ द स्टैचू ऑफ यूनिटी. इट इज़ बेस्ड इन गुजरात. इट्स हाइट इज़ 183 मीटर्स और ये इंडिया के अंदर पड़ता है. देन वी हैव द आर्कियोलॉजिकल लैंडस्केप ऑफ टैमगैली, दिस इज़ इन कजाकिस्तान. देन द डैमिंग इम्पीरियल पैलेस कॉम्प्लेक्स, ये आपका चाइना में पड़ता है. Then we have the Lake Issyk-Kul, ये आपका पड़ता है in Kyrgyzstan. Then the Great Mughals Heritage at Lahore, it is in Pakistan. The Golden Ring Cities, Russia. The Palace of Nowruz in Tajikistan. And the Poi Kalon Complex, that is in Uzbekistan. ये important है दोस्तों, because इनमें से एक question तो आपका होगा. Yes Nitesh, the reason why we have only 2 headlines from the Hindu, because आज the Hindu में कुछ खास था नहीं. There were only 2 to 3 important headlines, and उसको मैंने discuss किया. So I'll be very honest, मैं headline बना नहीं सकता. अगर होगी तो ही discuss करूँगा. I hope you all will understand. Alright, so these are the 8 wonders of the SCO. इसको एक बार ज़रा देख लीजिएगा, और अगर आपने नोट डाउन कर लिया है या इफ यू हैव टेकन अ स्क्रीनशॉट, प्लीज आंसर यस सर, 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 वी हैव टेकन अ स्क्रीनशॉट. नाउ गाइस लेट्स कम टू द नेक्स्ट अपडेट, एंड दैट इज रिगार्डिंग द स्टैटिक क्विज. नाउ गाइस आज स्टैटिक क्विज में मैं आपसे कहूंगा कि वी हैव डिफरेंट अवार्ड्स फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स. ओके लवनीत गौतम सेज, हेलो कुश सर, जस्ट वन से थैंक यू, गॉट सेलेक्टेड इन FCI, मेरा DV भी हो गया, थैंक यू सो मच सर. वेल डन लवनीत गौतम. आई एम प्रिटी सर्टन यू वर अ रेगुलर व्यूअर ऑफ माई करंट अफेयर शोज, एंड आई होप आगे चलकर बाकी लोग भी ऐसे ही एग्जाम्स को निकालेंगे. सो कंग्रेचुलेशन लवनीत फॉर योर सक्सेस, कंग्रेचुलेशन्स. ओके तो चलिए अब शुरू करते हैं अवार्ड्स को. टुडे आई हैव अराउंड 15 क्वेश्चंस फ्रॉम डिफरेंट अवार्ड्स गाइस, एंड आई एम सुपर एक्साइटेड. रीजन व्हाई, बिकॉज ये अवार्ड्स पे सवाल एग्जामिनेशन में आपके आते हैं. सो एक बार ज़रा फिर से कमेंट कर दीजिएगा आप लोग, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, सो दैट आई कैन नो यस एवरी वन इज ऑल राइट. आई हैव ऑल्सो बीन सिलेक्टेड इन LIC असिस्टेंट, वेल डन देवशीष, एंड आई होप दैट यू विल गेट सक्सेस इन अदर बिग एग्जाम्स एज वेल. सो कंग्रेचुलेशन देवशीष टू यू एज वेल. लेट्स कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन गाइज, एंड ये रहा आपके सामने पहला सवाल. विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड्स इज कंसिडर्ड एज इंडियाज हाइएस्ट अवार्ड फॉर ब्रेवरी, इनमें से शौर्यता के लिए सर भारत का सर्वोच्च सम्मान किसे दिया गया है? And the answer is, it is option A, that is the Paramveer Chakra. So in terms of wartime, it is Paramveer Chakra. ये सबसे बड़ा award जो है उसको दिया जाता है शौर्य में, specially to the armed personnel. शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो है इसका संबंध इनमें से किस क्षेत्र से है? लिटरेचर, साइंस, साइंटिस्ट या फिर कोचेज? एंड द आंसर इज, इट इज ऑप्शन सी, इट इज गिवन टू द इंडियन साइंटिस्ट. तो ऑप्शन सी यहाँ पर इसका सही होगा, मेडिकल साइंस नहीं होगा. ऑप्शन सी यहाँ पर इसका सही जवाब आपका होने वाला है. फटाफट आंसर करते रहे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं.
Which of the following award is given for outstanding contribution to Hindi literature? Hindi sahitya mein utkrisht yogdan ke liye nimnalikhit mein se kaun sa puraskar diya jata hai? R.D. Birla Puraskar, Vyas Samman, Sahitya Akademi Puraskar ya fir inme se koi nahi? Kaun sa puraskar hai jo diya jata hai in the field of Hindi literature? And the answer is, it is option B, jo ki hai aapka Vyas Samman. Hindi literature mein khas taur par aapka Vyas Samman hi diya jata hai. Sahitya Akademi diya jata hai aapka Hindi mein bhi, English mein bhi, par agar hum sirf Hindi sahitya ki baat kare to wo Vyas Samman hi hai jise diya jata hai. Which of the following award is given for outstanding prose or poetry literature works in 22 Indian languages? निम्न में से कौन सा पुरस्कार किसी भी 22 भारतीय भाषाओं में उत्कृष्ट गद्य या काव्य साहित्यिक कार्यों के लिए दिया जाता है? उस पुरस्कार का नाम क्या है? And the answer is, it is option B, that is the ज्ञान पीठ अवार्ड. ये अवार्ड दोस्तों दिया जाता है for prose or poetry literary work. Absolutely correct. Able Prize is given in the field of. Able Puraskar kis sambandh mein hota hai? Well, Nobel Prize nahi milta hai isme, to maths ka jo prize hai wo isme aapka milta hai. We've discussed it yesterday, guys. We've discussed yesterday in the 4 pm show. Yes, the answer is, it is option B, that is mathematics. Which of the following prize is given in the field of architecture? Architecture ke kshetra mein inme se kaun sa samman diya jata hai? And the answer is, it is all of the above. Ye teeno hi award jo hain ye diye jate hain to the architecture, whether it is the Sterling Prize, whether it is the Aga Khan Prize, or it is the Pritzker Prize. Ye teeno hi award jo hain, all of these awards are given in the field of architecture. Yaad rakhiyega is cheez ko. दादा साहेब फाल्के अवार्ड अभी हाल में कंट्रोवर्सी में था. एक कोई माहिरा करके है, मैं जानता नहीं उनको. शी वॉज अवार्डेड द मोस्ट फैशनेबल पर्सनैलिटी ऑफ बिग बॉस 13. ऐसा बेकार सा अवार्ड भी मिलता है, तो उस वजह से आपका दादा साहब फाल्के अवार्ड न्यूज़ में था. तो दादा साहेब फाल्के अवार्ड इज गिवन इन द फील्ड ऑफ, इट इज गिवन द फील्ड ऑफ सिनेमा एंड फिल्म. B.C. Roy Award is given, is the highest Indian award in which of the following field? Now guys, B.C. Roy jo hai, B.C. Roy in fact was the chief minister of West Bengal. He was also a very famous doctor, and the reason why the award is given in the field of the medical sector. Absolutely correct. Let's come to the next question. Pulitzer Prize is awarded for outstanding work in the field of. Inme se kiske liye outstanding work ke liye diya jata hai the Pulitzer Prize? And the answer is, it is option C, that is literature and journalism. Iske liye diya jata hai the Pulitzer Prize. Ashoka Chakra is awarded for what? Ashoka Chakra inme se kiske liye diya jata hai? And the answer is, it is option C, D, the most conspicuous bravery of self or self sacrifice on land, air or sea, but not in the presence of enemy. इसे कहा जाता है, इसको दिया जाता है द अशोक चक्र, अगर ऐसा कुछ इवेंट हुआ है तो. द शांति स्वरूप भटनागर तो हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं. हाँ, तो इस अवार्ड को दिया देता है दी CISR, दैट इज द काउंसिल, दी CSIR, दैट इज द काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्री रिसर्च. ये जो आपका एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये देता है दी शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड. तानसेन सम्मान इज अ सम्मान गिवन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट. इनमें से कौन सी राज्य सरकार है जो तानसेन सम्मान दोस्तों जो है वो दिया जाता है? एंड द आंसर इज, इट इज ऑप्शन डी, दैट इज मध्य प्रदेश. मध्य प्रदेश आपका अपार्ट फ्रॉम तानसेन सम्मान, इट ऑल्सो ऑनर्स दी किशोर कुमार सम्मान एज वेल. वो भी आपका MP ही प्रोवाइड करता है. To encourage increase in the quality, quantity and availability of the food in the world, World Food Prize was founded by. World Food Prize ko inme se kiske dwara shuru kiya gaya tha? And the answer is, it is option C, Professor Norman Borlaug. He is regarded as the father of the World Green Revolution. M.S. Swaminathan is regarded as the father of the Indian Green Revolution. Recently, M.S. Swaminathan ko bhi award mila tha, aur wo award tha aapka the M. Venkaiya Naidu Award. Us wajah se bhi Swaminathan sahab news mein bane hue the. Aage badhte hain.
At which of the following film festivals the Golden Peacock Award is given? Asaan sawal hai. And the answer, guys, here is, it is option A. That is the IFFI. Mera sawal aapse hai, which movie won the Golden Peacock Award this time around? Us movie ka naam kya tha? Was it Particles? Was it Parasite? Was it Despite the Fog? Kaun si movie tho jisko is saal Golden Peacock ka award diya gaya? Fatafat answer karna. Yes, Panji Goa mein hota. Absolutely correct. It is Particles, jisko ki award haal hi mein diya gaya tha. Absolutely correct. And let's come to the next question. Which of the following prizes is given to a person who has made an exceptional contribution to affirming the life's spiritual dimensions? Nimlikhit mein se kaun sa puraskar us vyakti ko diya jata hai jisne jeevan ke adhyatmik ayam ki pushti ke liye ek asadharan yogdan diya hai? What is that particular award, guys? It's a very tough question, and the answer is, it is option B, that is the Templeton Prize. Ye diya jata hai for anyone who has given his life for life's spiritual dimensions. To answer jo hai, wo hai option B, that is the Templeton Prize. So with this, guys, we'll come to an end. I hope tomorrow the current affairs from the Hindu will be more, and I'll increase the current affairs more and more, guys. So please give your feedback. Mera naam hai KUSH Kush Pandey. Meri email ID hai kush.pandey@grade.co. Aap mere ko mail kar sakte hain, aur lagataar dekhte rahiye Monday se lekar Saturday tak, roz subah 8 baje, every day on the Gradeup app, on the Gradeup YouTube channels. And guys, thank you so much for coming here. I'll meet you again now tomorrow at 8 AM. Tab tak liye aapka shukriya. Bye bye, guys. Take care. And please follow me on the Gradeup app. Bye bye, guys. And prep smart, score better. Go Gradeup. Bye bye, guys. Thank you so much. Bye bye.